तो दोस्तों आज बनाएंगे बाजार के भटूरे। घर पर आसान तरीके से एकदम फूले फूले बनेंगे परफेक्ट तरीके से। बस कुछ खास बातों को ध्यान देकर इसे बनाएंगे तो हर बार भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। तो एक बार बनाकर खाएंगे तो बाजार में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में तो एक ही तेल में बनाया जाता है, घर में आप साफ सुथरे ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर लिए है 500 ग्राम मैदा और मैदा को अच्छी तरह से चाल लिए है। तो भटूरे मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है और ये मेरे यहाँ बाजार के नहीं खाते हैं और मेरे बच्चे तो तैयार रहते हैं प्लेट लेके जब सुनते हैं कि भटूरे बन रहे हैं। तो यहाँ पर 500 ग्राम मैदे में 1 चम्मच नमक डालना है और इसमें 2 चम्मच डालेंगे चीनी। तो देखिए ये छोटे वाले चम्मच हैं, अगर बड़े वाले चम्मच हो तो एक ही चम्मच डालें। और यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डालने के बाद यहाँ पर 1/2 चम्मच लेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर देखिए 1 छोटा चम्मच लग रहा है, इसे थोड़ा सा आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 चम्मच है। तो 1/2 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और अब इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने तेल लिया है और ये है जो रिफाइंड तेल है। तो 1 कटोरी में से 1/2 कटोरी तेल इसमें डाल देंगे इस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो भटूरे जब भी बनाते हैं छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। जब इसमें तेल डालेंगे तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें नमक चीनी सभी को परफेक्ट तरीके से डालने हैं। अब यहाँ पर लेंगे 1/2 कटोरी दही। तो ये चम्मच से बोलेंगे तो 8 चम्मच के लगभग होंगे बड़े वाले चम्मच और ये घर की जमी हुई दही है, इसमें थोड़ी सी खट्टी दही भी डालेंगे तो चलेगा। और उसी कटोरी में ले लेना है पानी। तो दही को डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और यहाँ इसमें पानी डालकर अब इसे गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स जब डो लगाएंगे तो एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करना है। जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह से नहीं, रोटी का आटा तो थोड़ा सा हार्ड होता है। और यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार है। तो इसमें अभी थोड़ा सा क्रैक है, इसे तब तक मसल मसल कर गूंथेंगे जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाथों में तेल लेकर इस तरह से छिड़क कर बीच बीच में इस तरह से दोबारा से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे इसी तरह से मसल मसल कर गूंथ लेना है। तो जो भटूरे बनाते हैं तो इसे अच्छी तरह से जब डो लगाएंगे तभी हमारे भटूरे एकदम अच्छी तरह से परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पर डो तैयार हो गए हैं तो इसे एक साइड गोल कर कर इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा से तेल लगा देते हैं। अब इसे गर्मियों के दिनों में अगर बना रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 1 से 1.5 घंटे के बाद देखेंगे एकदम ये फूल जाएंगे। तो और ये दुगना तो नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। अब इसे दिखा रहे हैं कि एकदम इस तरह से डो हमारा रहना चाहिए। तो एकदम परफेक्ट डो लगाएंगे तभी हमारे भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। और इसमें देखिए थोड़ा सा क्रैक अभी कम हुआ है। इस आटे को दोबारा से मसल मसल कर गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं। अब इसमें से लोई बनानी है। तो जिस साइज की आपकी कढ़ाई है, अगर बड़ी साइज की कढ़ाई है तो बड़ी लोई बनाएं और अगर मीडियम या छोटी साइज की कढ़ाई है तो छोटी साइज में ही बनाएं। तो यहाँ पर इस साइज की लोई बना लिए हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर लोई को हाथों में लेकर इस तरह से दोनों हाथों से इसे गोल करेंगे और ऊपर का डो थोड़ा सा नीचे कर 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 इस तरह से गोल करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से गोल कर लेना है, इसी तरह से लोई बना लेनी है। यहाँ पर लेंगे 1 चकला, चकले के ऊपर लगा देंगे तेल। तो यहाँ पर 1 कटोरी तेल लिए थे, देखिए इतना तेल बचा हुआ है। और डो को चकले के ऊपर रख कर हाथों से इसे फैला लेंगे। हलवाई जो होते हैं उन्हें आदत होती है तो वो तो एकदम घुमा घुमा कर ही बना लेते हैं। तो अगर इसे चकले पर रख कर फैला लेंगे और एक बेलन से इसे एकदम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि डो हमारा एकदम सॉफ्ट है, ये आसानी से ही एकदम गोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से बेल लिए हैं और इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे, एकदम मीडियम ही रखेंगे।
तो फ्रेंड्स चलिए अब इसे बनाते हैं। बनाने के लिए लेंगे एक कढ़ाई, गैस पे चढ़ा देंगे, उसमें डालेंगे 1 kg तक तेल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल लिया है। अब इसे गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इस भटूरे को डालेंगे। तो जब भटूरे डालेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और यहाँ पर एक झांझरे से इस तरह से बीच में इसे हल्के से दबाएंगे और जिस तरफ से थोड़ा सा फूलेगा उस तरफ से इसे हल्के से दबाएंगे तो ये देखिए एकदम आसानी से फूल जाएंगे। और उलट पुलट करके हल्का सा सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सही माप से और सही मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो हर बार भटूरे एकदम परफेक्ट बनेंगे, फूले फूले। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो बाजार या ठेले के भटूरे खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बाजार में जो भटूरे मिलते हैं एक ही तेल में बार बार तला जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो भटूरे तो छोले के साथ ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो इस तरीके से बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। और इसे देखिए तोड़ कर दिखाते, एकदम फूले फूले भटूरे बने हैं ना बाजार जैसे। तो एक बार आप इसे जरूर बनाएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।